हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द टॉपिक पैरेलल लाइंस। फर्स्ट वी सी डिफाइन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन ए प्लेन विच डू नॉट मीट, दैट इज टू स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर सेट टू बी पैरेलल। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं किसी भी प्लेन पर विच डू नॉट मीट, वो जो कभी भी नहीं मिलती हैं। दैट इज टू स्ट्रेट लाइंस, ये दो सीधी लाइंस होती हैं। दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर यदि हम उन्हें आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो भी, तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं? आर सेट टू बी पैरेलल लाइंस। वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हैं ये हमारे, इसमें दिए हुए हैं। देखिए, ये ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है। ब्लैक बोर्ड के टू ये एजेस हैं, एक ये वाला एज और एक ये वाला एज। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि इनका डिस्टेंस यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ठीक है, इसी टाइप से इसी ब्लैक बोर्ड के ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों एजेस के बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर हैं। तो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। अब इधर देखिए, इस वाले स्केल बना हुआ है, इस स्केल का ये वाला ऊपर वाला एज ये जा रहा और ये नीचे वाला एज, दोनों ही स्ट्रेट हैं, दोनों ही स्ट्रेट हैं। तो दोनों क्या हो गए? दोनों एजेस क्या हो गए? पैरेलल। ये वाला एज और ये एज दोनों ही पैरेलल हो गए। इसी टाइप से ये रेल की पटरियां शो करी हुई हैं, ट्रेन है, तो इसमें क्या है हमारे, ये पटरी ये वाली और ये रेलवे लाइन, ये दोनों की एजेस क्या हैं हमारे? दोनों के एजेस पैरेलल हैं, क्योंकि उनके बीच में गैप एवरी प्लेस पर इक्वली होगा। ठीक है, हम आगे तक इसको पटरी को देखेंगे तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, हम इनको आगे देखते चले जाएंगे, ये सीधी ही इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल बना रहेगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर ऑफ ए टेबल गिवन बिलो, एक टेबल दी हुई है, इसमें नेम द पेयर्स ऑफ द पैरेलल एजेस ऑफ द टॉप। एजेस मीन्स होते किनारे। टॉप का जो किनारा है, टॉप कौन सा है आपके? ऊपर का, ये जो फ्रंट बना हुआ है, ये हमारा टॉप है। तो इसने कही है, इस टॉप में पैरेलल एजेस बताइए। तो पैरेलल एजेस कौन से हो गए? जो आमने सामने के होते हैं वो पैरेलल एजेस, ए बी। ये ए बी किसके इक्वल है? डीसी के। किसके इक्वल है? डीसी के। तो ये क्या हो गए? ए बी पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल हो गया डीसी। ठीक है, और ये होता है इसका पैरेलल का साइन। ये क्या होता है? बीच में जब हम टू इक्वल की लाइंस, ऐसी वर्टिकल लाइंस हम कर देते हैं तो क्या होती हैं? ये होती हैं पैरेलल की लाइंस। ठीक है, तो ये जब भी हम कोई किन्हीं दो लाइंस को पैरेलल शो करेंगे तो ये हमें टू लाइंस बनानी पड़ेंगी। इसी टाइप से ये ए डी और बी सी पैरेलल होंगे, तो हम लिख देंगे ए डी पैरेलल और बी सी। तो क्या हो गया? ये ए डी इसके सामने है बी सी के, और दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है। तो क्या हो गया? ये दोनों कैसी हो गई? पैरेलल। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं आंसर। ये देखिए, इन द गिवन फिगर द पेयर्स ऑफ पैरेलल एजेस आर, कौन कौन सी पैरेलल एजेस? हमने यही बताई थी, ए बी के सामने सी डी थी, तो वो ये आ गई ए बी के सामने सी डी, और ये पैरेलल का मार्क आ गया, ये आ गया पैरेलल का मार्क। इसके बाद फिर आ गई बी सी, ये वाली साइड आ गई ये, और ये हो गई ए डी, तो हमने यही शो कर दी बी सी पैरेलल ए डी। ये हमारे बीच में जो टू लाइंस हैं ये हमारी क्या हैं? ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? पैरेलल को। किसको? पैरेलल को। तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी के सामने सी डी और ए डी के सामने बी सी, तो ये बी सी पैरेलल ए डी। ठीक है, अब आपके अच्छे से समझ में भी आ गया होगा पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं जिनके बीच में डिस्टेंस इक्वल रहता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, अब इसमें हमारी कई सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो मतलब ये सारी लाइंस जो चारों तरफ हैं, ये इस टाइप से जो गोल लाइन आ रही हैं सारी की सारी, ये एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल। तो चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल भी है और इसके पैरेलल भी और इसके पैरेलल भी है, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है,
इसी टाइप से हम और देखेंगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गई, फिर ये वाली पैरेलल हो गई और ये पैरेलल हो गई, तो ये भी फोर लाइंस हो गई हमारी। कौन कौन सी? ये और ये चारों क्या हो गई? पैरेलल, मतलब इस टाइप से पैरेलल हो गई, इस टाइप से। ठीक है, अब हमारी तीसरी साइड बची ये वाली साइड, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, तो ये किस टाइप से आ गई? इस टाइप से घूम के। तो आपके तीन राउंड बने, एक तो इस टाइप से, दूसरा इस टाइप से और तीसरा हमारा इस टाइप से। तो ये तीन राउंड बने, तीनों राउंड में हमारी ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, तो हमारे इसमें कौन कौन सी आ रही है? ए बी, ये वाली ए बी किसके इक्वल है? एच ई के, ये आ गई एच ई। और फिर किसके इक्वल है? डी सी के, ये आ गई डी सी। फिर चौथी कौन सी बची? जी एफ, तो ये जी एफ हो गई। तो ये चारों क्या हैं? चारों पैरेलल हैं। ए बी एच ई के भी पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है और जी एफ, ऐसे ही एच ई भी इन सबके पैरेलल हैं। ये सारी के सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, चार लाइनें हमारी, फोर लाइन सेगमेंट हमारे पैरेलल हो गए। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट, अब ये बी ई वाली आई, बी ई कौन सी हो गई हमारी? बी ई हो गई ये वाली। ठीक है, बी ई पैरेलल हो गई सी एफ के, ये दोनों। ठीक है, फिर जी डी हो गई, ये आ गई जी डी, या डी जी बोल दें या जी डी बोल दें, बात एक ही है। फिर कौन सी आई? ए एच, तो ए एच ही हो गई। तो ये चारों पैरेलल हो गई, इस टाइप से हो गई ये चारों पैरेलल। ठीक है, ये चारों हमारी पैरेलल साइड हो गई, ये वाली साइड इसके पैरेलल, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल। ये हमने ये लिख दी इसमें नीचे सारी की सारी, ये लिख दी। ठीक है, अब तीसरा ग्रुप आया हमारा, फिर पैरेलल करने वाला कौन सी? ए डी, ए डी ये रही, ए डी पैरेलल हो गई जी एच के, ये रही पीछे जी एच। इसके बाद फिर जी एच के बाद कौन सी हो गई? बी सी, बी सी ये रही, है ना। और फिर कौन सी बची? ई एफ, तो ई एफ हो गई। ये इस तरीके से आ गए पैरेलल, ये इस टाइप से। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी पैरेलल हुई लास्ट में? ए डी ये वाली, फिर जी एच ये वाली, फिर बी सी ये वाली, फिर एफ ई ये वाली। ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये कैसी लाइन हो गई? पैरेलल लाइंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। नीचे फिगर दी जाएंगी अभी और उनकी पैरेलल लाइंस हमको बतानी है। ये देखिए, इसमें हमारी पैरेलल लाइंस बतानी है। तो पैरेलल लाइन इसमें केवल दो ही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे? क्योंकि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहेगा आगे तक, और बाकी ये सारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, ऐसे करके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देंगी, मीट कर रही हैं। केवल दो लाइंस ही ऐसी हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और ये। ठीक है, तो इनके नेम क्या हैं? इनके नेम है डी ई पैरेलल बी सी। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया, डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं इसकी। नेक्स्ट फिगर में हमारी टू पेयर्स होंगे, इसमें ये वाला पैरेलल इसके पैरेलल है, क्योंकि ये तिरछी भी हो सकती हैं ए डी और बी सी। यहाँ पर भी डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है इनके बीच में, तो कैसी हो गई? ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। और दूसरा पेयर कौन सा हो गया? दूसरा पेयर हो गया ये वाला, ए बी पैरेलल डी सी कर दिया था हमने, अब ये वाला इक्वल हो गया, कौन सा? ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, क्योंकि इनके बीच का भी यहाँ पर गैप इक्वल है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह आया हमारा ए बी पैरेलल डी सी। ए बी कौन सी आ गई? ए बी ये वाली, ए बी ये वाली आ गई हमारी, ये रही ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, और ए डी पैरेलल, ए डी ये वाली हो गई और पैरेलल पैरेलल किसके है? बी सी, तो ये रही बी सी, तो ए डी पैरेलल बी सी। तो इस तरीके से ये दो पेयर हो गए, एक पेयर ये रहा और दूसरा पेयर ये बन रहा, ए डी पैरेलल बी सी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आमने सामने होती हैं एक दूसरे के, अपोजिट साइड्स में होती हैं, ये अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसी में ही, इसी का ही सेम, अब नेक्स्ट फिगर देखेंगे, क्वेश्चन वही है। ये फिगर देखिए,
इसमें हमें फिर पैरेलल बतानी है, पैरेलल मैंने बताई थी अपोजिट साइड्स होती हैं, आर क्यू पैरेलल होगी एल एम के, और आर एस पैरेलल होगी एम पी के, और एस एल पैरेलल होगी पी क्यू के, ठीक है। तो मैंने सिंगल मार्क बताया ये दोनों पैरेलल, डबल मार्क वाली पैरेलल और ट्रिपल मार्क वाली पैरेलल। अब देखते हैं हम इसका आंसर, ये देखिए, ठीक है, एल एम पैरेलल आर क्यू, एल एम पैरेलल आर क्यू, ये मैंने बताई थी आपको। फिर आर एस पैरेलल पी एम, आर एस ये वाली हो गई और पी एम ये वाली हो गई, ये मैंने आपको बताई थी, आर एस पैरेलल पी एम। इसके बाद फिर एल एस पैरेलल पी क्यू, एल एस ये हो गई एल एस पैरेलल पी क्यू, ये पी क्यू के पैरेलल हो गई। तो ये सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, ये पेयर बन गए इनके, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, और ये वाली पैरेलल इसके। तो ये हमें आमने सामने मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में देखिए हमारी तीन साइड्स पैरेलल हैं। तीन साइड्स कौन कौन सी पैरेलल हैं, ये और ये, कौन कौन सी, ए बी, ये रही ए बी, ये सी डी और ई एफ, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि इनके बीच में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इक्वल होगा। कैसे होगा, जैसे ये सीधा इतना और ये इतना, तो ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। और बाकी के दो पेयर और पैरेलल हैं, ये वाली पैरेलल है इसके और ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड के, ठीक है। तो इस तरीके से थ्री पेयर इसमें पैरेलल हैं। अब देखिए हम देखते हैं इसके आंसर, ये देखिए, फर्स्ट वही आई मैंने तीन आपको बताई थी, बी ए पैरेलल डी सी और एफ ई, बी ए पैरेलल डी सी, बी ए पैरेलल डी सी पैरेलल एफ ई, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेयर वही आए जो मैंने आपको बताए, इसमें कौन कौन से आ गए, ए सी, ए सी कौन सी हो गई, ये ए सी पैरेलल बी डी, ये अपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के और पैरेलल भी हैं, ए सी पैरेलल बी डी। इसके बाद फिर सी ई पैरेलल डी एफ, ये सी ई हो गई और ये हो गई डी एफ, तो सी ई पैरेलल डी एफ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे एक सारे क्वेश्चंस पैरेलल लाइन के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन द गिवन फिगर डू द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। इसने पूछा है, ये फिगर दी हुई है नीचे हमें, ए बी और सी डी की टू लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, डू द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आर दे पैरेलल, क्या ये पैरेलल हैं, और पैरेलल नहीं है तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो इनका हमें आंसर भी देना है कि ये पैरेलल क्यों नहीं है। तो अब देखिए हम इसका आंसर देखते हैं, एक तो इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ये आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज्यादा हो गया है, तो वैसे ही पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब हम इसका रीजन देंगे, देखिए रीजन ये रहा। अब इसमें बोला, इन द गिवन फिगर वी सी दैट द लाइन सेगमेंट ए बी सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, कहीं भी काट रहे हैं एक दूसरे को, नहीं काट रहे, इंटरसेक्ट मीन्स काटना, जब हमने ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आकर काट जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है, लेकिन अभी नहीं काट रहे, तो अभी नहीं काट रहे, तो क्या लिख दिया हमने, इन द गिवन फिगर वी सी दैट द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काटते, बट द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स डिटरमाइंड बाय देम विल क्लियरली इंटरसेक्ट, लेकिन जब हम इनको डिटरमाइन, मतलब जब हम इनको देखेंगे ध्यान से और हम इन्हें आगे को एक्सटेंड करेंगे इस टाइप से, तो ये इस टाइप से कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो जब इंटरसेक्ट कर देंगी तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन क्या होती है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और ऐसे ही आगे तक चलती रहती है, सेम डिस्टेंस उनके बीच में बना रहता है, तो ये पैरेलल तो है नहीं, तो इसमें आ गया क्लियरली इंटरसेक्ट, मतलब जब हम उन्हें आगे को बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो सो द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, इसलिए ये दोनों की दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं है, इसलिए दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या है, पैरेलल नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसने कहा है, यूजिंग सेट स्क्वायर एंड ए रूलर टेस्ट वेदर एल पैरेलल एम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये देखिए, इसने ये हमें फिगर दी हुई है, L और M क्या पैरेलल हैं, ये हमें सेट स्क्वायर के थ्रू शो करना है। तो अब हम देखेंगे हमें सेट स्क्वायर कैसे रखना है, हमें इन दोनों के बीच में
इस टाइप से सेट स्क्वायर के थ्रू इस टाइप से लाइन ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी उनके लिए इक्वल डिस्टेंस है या नहीं है। यदि उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस आ रहा है तो ये दोनों लाइन एम और एल पैरेलल हैं, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। देखिए अब हम सेट स्क्वायर को कैसे रखेंगे, ये देखिए फिगर में, ठीक है। अब ये हमारा हो गई, ये तो हो गया सेट स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं सेट स्क्वायर, क्या सेट स्क्वायर, और ये हो गया हमारा स्केल, ये क्या है हमारा स्केल, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हमारी टू लाइंस हो गई, ये वाली एम वाली और एल वाली, कौन कौन सी हो गई, ये तो हो गई एम, ये बन रही है लाइन, और एल, एल कौन सी हो गई, नीचे वाली है, वो नीचे वाली जिसपे हमने स्केल रखा हुआ है और सेट स्क्वायर सेट किया हुआ है। अब हम इस टाइप से स्केल रखेंगे, जैसे इसमें स्केल रखा हुआ है, ये रखा हुआ, ठीक है, स्केल रख के ऊपर सेट स्क्वायर रखेंगे। तो पहली लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, तो उसको नेम देंगे पी एम, क्या नेम देंगे उसको पी एम, ठीक है, ये देख दिया पी एम। फिर इस सेट स्क्वायर को यहां से स्लाइड करते हुए यहां पर लाएंगे, इस जगह पर रखेंगे, ठीक है, यहां से कहां पर रखेंगे, यहां पर दूसरे वाले प्लेस पर, ठीक है। जब हमने स्लाइड करके हम दूसरे वाले यहां पर प्लेस पर रखा, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ये पी एस, और इसको मेजर कर लेंगे पी एस को कितनी आई पी एस, ठीक है। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको स्लाइड करेंगे सेट स्क्वायर को, पहले यहां से यहां स्लाइड करा, फिर यहां से यहां स्लाइड करा, इसको स्लाइड माने खिसकाया, फिर यहां पर इसको बना दिए एक और लाइन सेजमेंट, ये रहा, ये लाइन सेजमेंट पेंसिल से बनाने हैं, सब सब काम पेंसिल से होना है, जो भी हम फिगर्स बना रहे हैं तो बना देंगे। इसको नाम दे देंगे ए बी, अब हमने इनके नाम दे दिया, ये वाले को नाम दिया पी एम, इस वाले को नेम दिया आर एस, इस वाली लाइन सेजमेंट को नेम दिया ए बी, ठीक है। जब हम इनको मेजर करेंगे तो ये इक्वल आएंगे, ये सारे के सारे इक्वल आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, नाउ वी सी पी एम, ये लिखा हुआ नाउ वी सी पी एम इक्वल ए बी इक्वल आर एस, मतलब पी एम ये वाला, आर एस ये वाला और ए बी ये वाला, ये तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों इक्वल होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे इक्वल। जब ये इक्वल होंगे तो 10 वी से दैट एल पैरेलल एम, इसलिए एल पैरेलल हो जाएगा एम के, एल पैरेलल हो जाएगा एम के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसकी फिगर देखते हैं एक और, ये देखिए, अब ये आपको खुद ही देखने से लग रहा होगा इसमें भी सेट स्क्वायर ऐसे ही रखा जाएगा, इस वाली लाइन पर हम स्केल रख लेंगे और इस पे सेट स्क्वायर, जो यहाँ पर तो कम है डिस्टेंस, यहाँ ज्यादा हो गई, तो ये हमारी पैरेलल नहीं होगी। अब देखिए सेट स्क्वायर कैसे रखा जाएगा इस पे, ये देखिए, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसको रोटेट कर लिया फिगर को, और नीचे व नीचे रखा हमने स्केल, इस वाली लाइन पर रखा है हमने स्केल, ये रख दिया, ये स्केल रख दिया इस पर। इसके बाद ऊपर की साइड हमने सेट स्क्वायर रखा, ये वाली साइड पे सेट स्क्वायर रखा, तो पहली लाइन बनाई हमने पी एम, ठीक है, फिर इसको स्लाइड करके यहाँ लेकर आए सेट स्क्वायर को, स्लाइड माने खिसका करके यहाँ ले आए इस वाली जगह पर, ये ले आए, अब यहाँ पे रख के हमने बनाई आर एस, क्या बनाई आर एस। तो जब हम इन दोनों को मेजर करेंगे, ये वाली पी एम, ये वाली पी एम और हम आर एस को मेजर करेंगे, तो दोनों छोटी बड़ी होंगी, ये वाली तो पी एम छोटी होगी और आर एस क्या होगी बड़ी, क्या होगी बड़ी, तो ये दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो हम लिख देंगे इस टाइप से पी एम नॉट इक्वल आर एस, पी एम नॉट इक्वल आर एस, देयर फोर एल इज नॉट पैरेलल टू एम, इसलिए एल पैरेलल नहीं है, ये रही एल और ये रही एम, इसलिए एल इज नॉट पैरेलल टू एम। इस तरीके से हम सेट स्क्वायर को स्केल लगा करके साइड में और हम उसको स्लाइड करते हुए शो कर सकते हैं कि ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है। पहले उनको मेजर कर लेंगे, आप चाहें तो मेजरमेंट भी लिख सकते हैं, पहले आप इसका मेजरमेंट लिख सकते हैं, जैसे पी एम दिया हुआ है तो पी एम कितनी आई, पी एम सपोज करिए 2 सेंटीमीटर आई, इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले में तो हमारी इस वाले क्वेश्चन में जैसे पी एम आई हमारी 2, ठीक है, और ए बी आई हमारी ये भी 2, और आर एस आई हमारी, ये हम मेजर करके लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, सारी की सारी 2 सेंटीमीटर आएंगी, ठीक है। जब ये सारी सेम आएंगी तो हम इसको इस कंडीशन में लिख देंगे, ठीक है, आप मेजर करके इस टाइप से भी लिख सकते हैं पहले, और बाद में इनको इक्वल शो करके फिर लिख देंगे वी कैन से एल इज एल पैरेलल टू एम। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं हम, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं, इस वाले में भी,
इस बारे में भी पीएम को लिख लेंगे, पीएम देखेंगे हम तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ज्यादा ही है 3 सेंटीमीटर। और आरएस को मेजर करेंगे, आरएस कौन सी है, इधर वाली, ये बड़ी है इससे, तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। यदि आप मेजर करोगे, आप देखोगे तो कितनी आ रही है, तो दोनों नॉट इक्वल है, तो हम इसी को हम फिर लिख देंगे पीएम नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल का साइन है, ऐसे बना करके ऐसे कर देना, क्या है ये नॉट इक्वल टू आर एस, देयर फोर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा, और आप सभी लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।